अभी हमारे साथ तालो पुदम जी है जो कि ए डी एम साथ ही साथ हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर है तो सीधे उनसे आज हम बात करते हैं और जानते हैं जो अपडेट करंट अपडेट जो ईटानगर टू पा, पापू नाला जो बन रहा है हाईवे सर जैसे कि मैं आपको नोटिस में लाना चाहूँगी जो टी टी बार के पास में जो एक कलवट बना है उसके नीचे में जो कॉन्क्रीट वाल उठना चाहिए वहाँ पर सीमेंट बैग्स रखा गया है और साथ ही साथ काफ़ी सारे नालों में आप देख सकते हैं वहाँ पर भी एक कंक्रीट वाल बनना चाहिए वहाँ पर भी सीमेंट बैग्स रखा गया है तो सर उस पर क्या कहना है क्योंकि ये जो रास्ता है ईटानगर तो पुनाला, अभी से नहीं काफ़ी सालों से ये रास्ता हाईवे जो कंट्रोवर्सी में सर हाँ कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल इसलिए था कि थोड़ा लैंड एक्विजिशन में समय लगा उन लोगों को तो उसी का वजह से काम भी डिले हुआ और आप लोगों को मालूम है कि बारिश का मौसम भी हमें साथ नहीं दिया बारह महीना में करीबन आठ नौ महीना ही बारिश रहा सो एक दो महीना हुआ था उसमें तो ये कंपनी के लोग पीर दिसंबर जो क्रिसमस में नया साल का पीर बिहू आ गया पीर इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है तो इसका वजह से टारगेट तो उन लोग अचीव कर नहीं पाया लेकिन अभी इस समय में जब आपका सामने में है जो आपको जब हम मिला था कि कुछ देखने को मिलेगा मार्च तक मैं टीके और हमारा जो भी हाईवे इंजीनियर और जो हमारा जो अथॉरिटी इंजीनियर सभी लोगों का मेहनत है कि अभी ये पोर्शन जो अभी हमारा सामने जो है ये एफसी जो आर्ट कटिंग का जो काम है अभी एक दो दिन में ये लेवल डाउन हो जाएगा इसका और जो दीरी ग्राउंड का सामने में जो कालबट है वो कालबट भी अभी टिकप हो गया है तो अभी कुछ दिन में ख़त्म हो जाने से तो ये पोर्शन ही रह गया तो ये पोर्शन अगर ख़त्म हो जाता है तो आपको पूरा नहा पप्पू से लेके और इतानगर का जो काम जो है वो काफी काफी लगभग खत्म का जैसे ही हो जाएगा और लोगों को अच्छा लगेगा इस रास्ता में जर्नी करने में वन साइड भी अभी तो दो तल से लेके अभी दूसरा लेन को भी अभी पकड़ा है काफ़ी काम हो गया है तो अभी हमारा साथ में हाईवे असिस्टेंट इंजीनियर तकम साहब भी है और हमारा अथॉरिटी uh, इंजीनियर के हेड uh, है वो भी आया है और टीके uh, का भी लोग यहाँ हैं और अभी लांच सर, ब्रेक सर, है सवाल सर मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया जो सीमेंट बैग्स हाँ सीमेंट बैग्स का बारे में यही बताना चाहूँगा कि जो एफसी जो हुआ एफसी होने का बाद में वो जो ड्रेन जो बनाना था वो ड्रेन बन नहीं पाया क्योंकि उसमें वो सीमेंट का जो सप्लाई बंद हो गया पूरा लॉकडाउन में तो अभी वो रोड का लॉकडाउन में सप्लाई बंद हो गया उसका बाद लेबर भी थोड़ा इधर उधर हो गया जिसका कारण से वहाँ जब आपने देखा होगा जहाँ में आपका डी वी जहाँ चला है काला जहाँ लगा डी जो सेकेंड लास्ट लेयर है वहाँ का उस जगह का उस पोर्शन में नाला तो कट के रखा है लेकिन वो ड्रेन को बन नहीं पाया बना नहीं पाया लॉकडाउन का वजह से जिसका कारण से वो वो हमारा जो डीवीएम जो है वो वेस्ट वास्ट आउट हो तो सकता है बोल के उसको सीमेंट का बैग दिया हुआ है दूसरा जो है परसों हमारा नोटिस में हमको डीसी ने भी दिया था हमने अपना पी डब्ल्यू कमिश्नर और हम हाई इंजीनियर हाईवे हाँ हमारा जो है हमें जो कंसर्न लोगों का नोटिस में डाल दिया है जो तीती बार का सामने में जो कल्बर्ट बनाया तो कल्बर्ट जो है वो थोड़ा डैमेज हो गया है और होने का भी चांसेस बहुत है इसको लेके हमने एक्शन साहब से भी बात कर लिया है और सभी का नॉलेज में होगा और बना लेगा उसको हाँ तो, तो, आ, तो ये इसको तो, तो बना लेगा बना ले, पक्का बनाएगा, बनाएगा।, बनाएगा। इरोजन हो रहा है तो इरोजन को रोकने के लिए हम लोग ने अभी उसमें इंपिटी बैग में मिट्टी डाल के उसको प्रोटेक्शन किया है आ, एक दो दिन में वहाँ पे एक्सकेवेशन चालू हो जाएगा वाल बन जाएगा तो एक दो दिन मतलब एक दो दिन में हो शुरू होना है चालू होना है क्योंकि ये मीडिया सभी देख रहा है आम झूठ नहीं बोलना है आप लोग से भी ये एश्योरेंस चाहिए कि एक दो दिन में एक दो दिन का बाद काम शुरू करना है हम आपसे रिक्वेस्ट है जाके उसमें एक बार हमसे और बातचीत करिएगा क्योंकि ये सभी का इंटरेस्ट है कि हमारा सरकार का भी इंटरेस्ट है चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी सभी लोग इंटरेस्ट है आप लोग भी इंटरेस्ट है कि ये सड़क जल्दी बनना चाहिए इसलिए हम एक दो मिनट दिन में शुरू कर देना होगा और सर ये था रिगार्डिंग जो ग्रीन बैग्स जो लगा हुआ है बैग्स का सर वो एक सवाल है जो काफी लोग सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और मैंने भी जितना इंजीनियर से बातचीत की रिगार्डिंग जो ये टर्न बहुत स्टीप टर्न बनाया गया तो उसमें सर किस तरीके से हमने भी अभी यही चर्चा कर रहा हूँ अभी यहाँ हम जहाँ करा है आप आगे वो दिखाएंगे वो तरफ में ये इस तरफ़ दिखा दीजिए और जगह जो जहाँ पे जैसी भी पोकलेन करा है वहाँ से लेके कर वहाँ में अभी हम लोगों ने मापा है मैं चार दिन से यही बात कर रहा हूँ उन लोगों ने अभी टेप से मापा है ट्वेंटी फोर मीटर निकल रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ जो वो लाश एन से लेके ये रोड जो है हमको इस तरफ बेली साइड में शिफ्ट करना होगा तो जाके वो अलाइनमेंट मिलेगा कार्वेचर को ले हमने वहाँ जो तीती -ती बार पलोन मोर का थोड़ा आगे में भी कुछ ऐसे कार्वेचर है जो बहुत ही रिस्की है वहाँ में उस दिन भी एस साहब का गाड़ी को भी एक आदमी का स्कूटर तो दिया था और भी दो गाड़ी को तोका इसलिए मैंने उन लोग को बात किया कि वो कर्बेचर जो है ज़्यादा इस्तीफ हो गया जिसका कारण से एक्सीडेंट हो सकता है तो उन्होंने कहा है कि उसको थोड़ा एक्सटेंड करेगा वाइडनिंग एक्सटेंड करके थोड़ा उसको कर्बेचर को मिनिमम कितना डिग्री बोल रहा था उसमें हम लोग देता है है अभी वो वो हाँ। है जो भी हम लोग बना बना रहे हैं, बना रहे हैं हैं पर अप्रूव डिजाइन से हम लोग वही सब चेक करने के लिए अथॉरिटी इंजीनियर यहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है पीडब्ल्यूडी डी ने तो उसमें कोई इशू नहीं है हम सेवन परसेंट तक उसको कर सकते हैं ऊपर से क्या है वो सिर्फ उधर से आने के लिए है नहर लगन से आने के लिए है अभी उसमें जो है आना जाना दोनों कर रहा है तो उसमें तो दिक्कत हो सर सवाल ये भी है ना क्योंकि जैसे अभी तो वन साइड है वो तो हम भी समझते हैं हम भी गुजर वहीं से गुजर के आए लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब सिंगल वे भी चलेगा जैसे अभी नाहगन से ईटानगर भी जाते वक्त अगर हम वो हाईवे यूज करेंगे तब भी वो बहुत ही स्टीप है टर्निंग बहुत ही डीप है और जितना मैंने कंसल्ट किया है इंजीनियर जो ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इंजीनियर से कंसल्ट किया तो उनका भी यही कहना था कि काफ़ी डीप बना हुआ है तो अभी आप कह रहे हो कि जल्दी आप लोग उसे वाइडनिंग करोगे लेकिन शुरुआत से ही क्यों नहीं कर रहे आप ने ये सब चीज़ को प्रोसेस नहीं किया ये अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये लॉकडाउन पीरियड में वहाँ पे डीवीएम किया हुआ है तो उसके बाद हमारा सीमेंट भी खत्म हो गया विटामिन खत्म हो गया तो साथ साथ में हम लोग उसको लेफ्ट साइड का, का कैरेज को नहीं कर पाए लेफ्ट का भी अगर हम कैरेज करेंगे और मीडियन करेंगे तो स्मूथ दिखेगा राइडिंग करने में भी इजी होगा तो, ट्रैफिक प्लाइंग में कोई इशू नहीं रहेगा तब ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में आप लोग उसे मिला लोगे हाँ जी हाँ जी बिल्कुल और एक लेयर बाकी है आभी जो अभी फाइनल लेयर और फाइनल लेयर बाकी है कंस्ट्रक्शन है हाँ। इसको फाइनल ना समझा हाँ। 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 अभी उस पर एक लेयर और आएगा फिर डेंटिंग पेंटिंग सब होगा अभी टाइम है फाइनल लेयर आएगा उसमें अभी इवन जो ड्रेन जो पानी जो है जो ड्रेन थोड़ा ऊंचा है वहाँ में भी मिला के जो पानी को जाने के लिए भी चिंदा कर किया जाएगा उसका बाद फाइनल लेयर में जहाँ में का जो पर, परसेंटेज अभी जो बताया है कि फाइव परसेंट अभी है उसको सेवन परसेंट करना है में तो, तो सेवन तो, से, तो, तो, परसेंट तक दे, दे, दे देगा मैक्सिमम मैक्सीम सेवन परसेंट है अभी हम लोग सेवन परसेंट तक भी जा सकता है मिलाएगा जो जो फाइनल लेयर जो है उसका बाद बहुत जैसे लाइन लाइन वगैरह सारा डिजाइन का सुंदर तो पूरा तो, लगेगा सारा चीज हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा सभी लोग यहाँ जाने के लिए अच्छा लगेगा सर और आखिरी सवाल ये रहेगा रिगार्डिंग ये हाईवे का कि टाइमलाइन दिया गया था थ्री इयर्स का सर और ये साल के सितंबर महीने में इसका टाइम लिमिट खत्म हो रहा है तो एज अ नेशनल हाईवे आज, आज, का एडमिनिस्ट्रेटर आप आज, सर आज, एश्योर करोगे कि, कि सितंबर तक ये जो इटानगर तुरूनाला हाईवे कंप्लीट होगा सर नहीं इसमें तो कंप्लीट तो सितंबर तक तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा जो अंडरग्राउंड पास है ना अंडरग्राउंड पास रह गया और माइनर ब्रिज रह गया तो सितंबर तक तो पॉसिबल दिखाई नहीं देता है लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कंपनी जो है दिन और रात करने से अंदर पास को चोर के सभी चीज़ हाई को हाईवे का, हाई का को देव को देव हो जाएगा अंदर अंदर पास को चोर के सारा चीज़ तो सितंबर तक तो हो जाएगा लेकिन दिन और रात एक साथ करना होगा 24 फोर आवर्स शिफ्टिंग सिस्टम में काम करना होगा और जहाँ तक हम लोग का सरकार का मदद का जरूरी है और हमें जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर का जरूरी है या हाईवे इंजीनियर सब हम लोग का हंड्रेड वन परसेंट हम लोग देने को लो तैयार है सिक्योरिटी के लिए भी या उन लोगों को ट्रैफिक का मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग हंड्रेड वन परसेंट सपोर्ट कर रहे हैं और उन लोगों को आज भी हम लोग यहाँ में इधर करा है जस्ट उन लोग को मॉरल बुस्टअप करने के लिए उन लोग को काम को जल्दी आगे ले जाने के लिए और हम लोग शायद से कुछ भी मदद चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार है और फाइनली यही है कि अगर वो दिन रात करता है शिफ्ट में कम करता है तो सितंबर तक टारगेट पूरा कंप्लीट होगा और एक रह जाएगा अंदर पास अंदर पास छोड़ के सभी में प्रॉब्लम नहीं ऑलरेडी उन लोग प्रोग्रेस में है Sir. हाईवे तो रिगार्डिंग ये हाईवे को छोड़कर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो कोविड नाइन्टीन का लॉकडाउन कंट्री लॉकडाउन थर्ड मे तक है सर हाँ तो हमारे कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्पेशली प्राइवेट व्हीकल फोर व्हीलर बोलिए या टू व्हीलर बोलिए वो बहुत ही फ्रिक्वेंट वे से चल रहा है तो सर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक छूट दिया गया है क्योंकि ग्रीन जोन में है अरुणाचल प्रदेश तो रिलैक्सेशन कुछ चीज़ों में दिया गया है तो सर प्राइवेट व्हीकल मूवमेंट में भी छूट दिया गया है क्या सर नहीं ऐसे छूट तो नहीं है चूत तो इसलिए नहीं है कि लॉकडाउन तो थर्ड मई तक है और आप देखेगा कि दुकान सब बंद ही है और कुछ इसेंशियल दुकान नहीं अभी खुला हुआ है और कुछ दुकान जो बहुत ही जरूरी है उनको देख के देखते हुए एक दो दुकान को शायद डीसी ने खुला खुला है तो गाड़ी जो प्राइवेट गाड़ी इसलिए दिखाई दे रहा होगा यहाँ में कुछ ऑफिस को खोलने के लिए इजाज़त दिया गया है और लेकिन वो ऑफिस वाला को हंड्रेड परसेंट स्टाफ आना नहीं है उनको लिमिट दिया गया है फिफ्टीन परसेंट जो डब्ल्यू सी और सी सी डी कैटेगरी का भी उसको आना है रोटेशन में आना है लेकिन सभी लोग ऑफिस जा रहा होगा और इस बहुत दिन हो गया कोई बैंक का काम है कोई हॉस्पिटल का काम है बहुत दिन हो गया तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट का जो लोग आने का था डिस्ट्रिक्ट में ही जाने का थोड़ा दिन के लिए कूल दिया था दो दिन तीन दिन के लिए और उसका वजह से भी ट्रैफिक हो सकता है और वैसे तो लॉकडाउन जो है वो थर्ड मे तक कंटिन्यू रहेगा और मैं आपका इस चैनल का माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जहाँ नाका है वहाँ में कोई लोग हमको फोन भी करता है कि जरूरी काम के लिए गया था इसलिए पकड़ा नहीं पकड़ा ऐसा लेकिन थर्ड मे तक घर में रहिए तो लॉकडाउन को फॉलो कीजिए सारा प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए अभी कोई जा रहा है उसका कोई कारण के लिए जा रहा है पास लेके जा रहा है ड्यूटी में जा रहा है उसको देखते हुए सभी लोग बाहर आके घूमने लगेंगे तो तब तो फिर अचानक नाका हम हम नाका में करा करेगा तो दिखाई देगा तो फिर उनका गाड़ी को सीज किया जाएगा केस बनाया जाएगा जो प्रोटोकॉल में आता है सभी जी सर थैंक समस्या हमारे से बात करने के लिए ठीक है ठीक है